अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकार जका है। आजकल बेरोज़गारी के ज़माने में हक हलाल तरीके से पैसे कमाने का एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन याद रखें, अगर आप इसमें जालसाजी करेंगे, ड्रामेबाजी करेंगे, फेक करेंगे, तो फिर 6 महीने सज़ा भी हो सकती है। लेकिन पैसे आप कमा सकते हैं बहुत आराम से, आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी है, थोड़ा सा घूमना है फिरना है, आपकी अपनी एक रुपये की भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। और ये है जी बेनामी प्रॉपर्टी का चक्कर, ये कानून का हिस्सा बन चुका है। मैं एक पोस्टर आपसे शेयर कर रहा हूँ कि बेनामी प्रॉपर्टी होती क्या है, किस तरीके से आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब आप FBR में। लेकिन याद रखें, अगर आपने गलत किया तो फिर हमेशा के लिए आप भी फंसेंगे। लेकिन कुछ करने को लिए नहीं है ज़िंदगी में, आप बिल्कुल बेरोज़गार घूम रहे हैं, तो अपने इलाकों में यहाँ वहाँ देखना शुरू करें कि कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो बिल्कुल बेनामी है। और बेनामी प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि जी अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी और किसी और के नाम पर है, और जिसके नाम पर है वो कह रहा है भाई मुझे मेरी प्रॉपर्टी नहीं है ये, भाई मुझे क्या पता ये क्यों बैठा हुआ और मेरे नाम क्यों लगाया हुआ इसने। जो आपको ऐसी मिस्टीरियस सस्पिशियस प्रॉपर्टीज़ अपने इलाके में कहीं लगें, उसकी तफसीलात देखें, तफसीलात देख के नंबर दिया हुआ है, अभी मैं आप पोस्टर जब शेयर करूँगा वहाँ कर दें, जितने की प्रॉपर्टी होगी, और देखें ये कोई हल्की प्रॉपर्टीज़ तो होती नहीं है, करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो घर बैठे आपके 2-3 लाख रुपये बन जाया करेंगे। जैसे ही वो प्रॉपर्टी लेंगे, सेल करेंगे FBR वाले, उसके बाद वो पैसे आपको मिल जाएंगे। तो ये एक सोर्स ऑफ इनकम भी तो बन सकता है आपका, और मुल्क और कौम की खिदमत भी होगी कि पाकिस्तान से बेनामी प्रॉपर्टीज़ हटाने के लिए, बेनामी काम जो इस तरह के हो रहे हैं, बेनामी ट्रांजैक्शंस जो हो रही हैं उनको ख़त्म करने के लिए आप इस नंबर पर रिंग करें। लेकिन रिंग करने से पहले रिसर्च प्रॉपर कर लें। मैं एग्जैक्ट वो पार्ट जहाँ पर ये शेयर हुआ है कि बेनामी प्रॉपर्टी है क्या, वो भी शेयर कर रहा हूँ आपसे, और उसके साथ साथ वो हिस्सा भी कानून का शेयर कर रहा हूँ कि कितनी परसेंटेज आपको मिलेगी अगर आपने सच्ची बेनामी प्रॉपर्टी की निशानदेही कर दी। पाकिस्तान के अंदर किसी भी इलाके में, गांव देहात, कहीं आपको लगता है कोई ज़िम्मेदार, कोई वडेरा, कुछ और, या कोई और बंदा जो है ऐसा खा पी के बैठा, या कोई और बिजनेसमैन ऐसा करप्ट है, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा जी गाँव देहात में वडेरे ऐसे करते होंगे, चौधरी ऐसे करते होंगे, मैं कह रहा हूँ कोई भी शख्स कहीं भी है और आपका नाम नहीं बताया जाएगा, कहीं आपका नाम नहीं आएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कंप्लेन किसने की है। आपने जाकर इन नंबर्स पे कंप्लेन करनी है कि मुझे पता है कि भाई ये प्रॉपर्टी बेनामी है और इसके अंदर ये चक्कर हुआ हुआ है। थोड़ी सी अब देखो ना, थोड़ी तो मेहनत कर दी ना, घर बैठे तो नहीं आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो कोशिश ये करनी है आपने। पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में रहते हैं, 18 साल से कम उम्र है, 18 साल से ज़्यादा है, 50 साल के हैं आप, कोई भी हैं, ये चैलेंज है आपके लिए, हमारे मुल्क से बेनामी प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म करने के लिए आपको FBR का साथ देना है, आपको आगे आना है और आगे आके अपना रोल प्ले करना है। और देखें, पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि आप कोई भी अगर कोई ऐसा काम करेंगे तो उसके लिए आपको ठीक ठाक पैसे भी मिलेंगे, तो पैसे मिलने का जहां ताल्लुक आ गया तो मेहनत तो कर ही सकते हैं ना। फ्रॉड करने से बेहतर, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग के चक्करों में पड़ने से बेहतर, किसी फ्रॉड स्कीम के चक्कर में पड़ने से बेहतर ये है कि आप फ़ौरन से पहले इस इश्तिहार को समझें।